क्यों? बिकॉज यू स्पीक विद मी, मैं आपसे वन ऑन वन बात करूंगी, आप मुझसे बात करेंगे, आप अपने दोस्तों से बात करती हैं, आप अपनी सहेलियों से बात करती हैं, आप अपने पड़ोसियों से बात करती हैं, सबसे करती है ना बात, जबान है, आवाज है, बोलना भी आता है, तीनों चीजें आती है ना। तो फिर जब आप मुझसे यहाँ पर बात कर सकती है तो आप स्टेज पर जाके 25 लोगों के सामने बात क्यों नहीं कर सकती? क्या फर्क हो जाता है? क्या क्या फर्क होता है? एक चीज का फर्क होता है, क्या होता है वो? डर। We are scared. किस चीज से डरते हैं हम लोग? The fear of being judged. अब जब हम किसी चीज से डरते हैं तो क्या करना चाहिए? डरते रहना चाहिए उससे? क्या करना चाहिए? Don't try to overcome it, just get used to it. इसका मतलब ये है, अगर मुझे पानी से डर लगता है, will I never go into a swimming pool all my life? Or will I go to the swimming pool more so that I can withdraw my fear? When you are scared of anything, not in a public speaking, when you are scared of something, do it more. And I will tell you a psychological aspect of it. I am an NLP trainer. So, हमें psychology में चीज़ पढ़ाई गई थी. There is a term called systematic desensitization. इसको ना मैं थोड़ा simple करती हूँ. Systematic desensitization मतलब ये होता है, your mind is very smart. When we expose ourselves to a stimuli over a period of time, it stops to make us feel scared. I will simplify. जब हम अपने डर का सामना बार बार हर बार करते हैं तो वो डर हमसे दूर चला जाता है. अब आप मुझे बताइए, आपने पहली बार कोई हॉरर मूवी देखी, किने बैठ के हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो कैसा लगा? बहुत डर लगा है ना, the palms are sweaty, your heart is palpitating, you are so nervous, oh my god, क्या होने वाला, you're so scared. अभी वही same movie, you have seen for the fourth time, for the fifth time, for the tenth time, for the 15th time, are you still going to be scared when you see that movie for the 20th time? तो आज के बाद डर को क्या बात है, वेरी नाइस, मेरे बजाइए जोरदार 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 तालियां।